नवंबर 2014 न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। खबर में बताया जा रहा था कि एक बॉलीवुड हीरोइन को केनिया में गिरफ्तार किया गया है। केनिया पुलिस ने उस बॉलीवुड हीरोइन को अपने पति के साथ मिलकर केनिया और अमेरिका के बीच ड्रग्स की तस्करी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वाली एक्ट्रेस उस वक्त की सबसे हॉट कही जाने वाली एक्ट्रेस थी। उस दौर में उस एक्ट्रेस की बोल्ड पिक्चर्स हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी और उसका नाम था ममता कुलकर्णी। जी हां, 90 के दशक में करण अर्जुन जैसी फिल्मों में काम करने वाली ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी को उनके पति विक्की गोस्वामी के साथ गिरफ्तार किया गया था। विक्की गोस्वामी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता था और कई देशों में इसने अपने ड्रग्स के धंधे को फैला रखा था। ममता कुलकर्णी के गिरफ्तार होते ही बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया था। लेकिन ममता कुलकर्णी पहली हीरोइन नहीं थी जिनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हो। ममता कुलकर्णी के अलावा भी कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका अंडरवर्ल्ड डॉन से अफेयर्स रहा है। हम आपको बताएंगे हाउ मेनी एक्ट्रेसेस वर इन अ रिलेशनशिप विद अंडरवर्ल्ड डॉन्स और क्या माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन के दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की आज की कहानी इसी पर आधारित है। कहते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस है अंदर से उतनी ही काली और अपराधों से घिरी हुई है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का पुराना संबंध रहा है। दाऊद इब्राहिम यानी अंडरवर्ल्ड का वो डॉन जिसने लंबे समय तक मुंबई की जुर्म की दुनिया पर राज किया। फिल्मों से लेकर खेल जगत हर जगह दाऊद इब्राहिम की तूती बोलती थी। एक वक्त था जब मुंबई में कोई भी फिल्म दाऊद इब्राहिम की परमिशन के बिना रिलीज होना तो दूर, शूट भी नहीं हो सकती थी। भारत और भारत से बाहर रिलीज होने वाली ज्यादातर फिल्मों के राइट्स दाऊद इब्राहिम गैंग के पास होते थे। डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक सभी दाऊद इब्राहिम से खौफ खाते थे। एक और जहां लोगों में उसका खौफ फैला हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे थे जिनके मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से काफी करीबी रिश्ते थे। 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेता, डायरेक्टर्स और अभिनेत्रियां सीधे दाऊद इब्राहिम के संपर्क में थी। मुंबई में उस वक्त दाऊद इब्राहिम के घर पर होने वाली पार्टी के चर्चे अक्सर मीडिया में रहते थे। दाऊद इब्राहिम के घर होने वाली इन पार्टीज में बॉलीवुड के सितारों का भी जमावड़ा लगता था जिनकी तस्वीरें भी उन दिनों अखबारों में छपा करती थी। उस वक्त की बहुत सारी फिल्मों में दाऊद इब्राहिम गैंग यानी डी कंपनी का पैसा लगता था और दाऊद इब्राहिम के मनपसंद लोगों को ही फिल्मों में काम भी दिया जाता था। यही कारण था कि बहुत सारे हीरो और हीरोइन काम के लालच में भी दाऊद इब्राहिम के करीबी बने रहते थे। दाऊद इब्राहिम को भी बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया बहुत रास आती थी। यही कारण था कि उस वक्त की कई चर्चित अभिनेत्रियों के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध सामने आए थे। कई बार बॉलीवुड सितारों के साथ उसे स्टेडियम में क्रिकेट देखते हुए भी देखा गया था। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड सितारों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिनको लेकर काफी विवाद हुआ। कई स्टार्स की दाऊद इब्राहिम के साथ बातचीत भी लीक हो चुकी है। ताकत और दौलत का बादशाह दाऊद इब्राहिम को अगर उस वक्त कोई अभिनेत्री पसंद आ जाती थी तो दाऊद इब्राहिम किसी भी हालत में उसे हासिल करने का प्रयास करता था।
इन्हीं सब वजहों से समय समय पर कई अभिनेत्रियों का नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा। मीडिया में भी अलग अलग समय पर अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ दाऊद इब्राहिम की लव स्टोरी चर्चा में रही। दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के बाद कई अभिनेत्रियों का करियर डूब गया और उन्हें गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी, तो वहीं कई अभिनेत्रियों ने बरसों तक बॉलीवुड में अपना रुतबा बनाए रखा और उन्हें लगातार फिल्में मिलती रहीं। दाऊद इब्राहिम एंड मंदाकिनी की लव स्टोरी। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के जिस अभिनेत्री के साथ लव स्टोरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, उनका नाम है मंदाकिनी नजीर। साल 1985 में राज कपूर की एक फिल्म राम तेरी गंगा मैली आई थी। इस फिल्म ने एक्ट्रेस मंदाकिनी को रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी ने बोल्ड पोज दिए थे, जिसके बाद उनकी चर्चा हर दर्शकों की जुबान पर थी। अपनी खूबसूरती से लोगों को मंदाकिनी नजीर ने दीवाना बना लिया था। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए मंदाकिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंदाकिनी नजीर की इस वक्त की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी को जाल, लोहा, डांस डांस, जीते हैं शान से, कमांडो, तेजाब और जंगबाज जैसी कई सफल फिल्मों में साइन कर लिया गया था। मंदाकिनी की खूबसूरती का आलम यह था कि कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी उन पर फिदा हो गया था। एक और रातों रात स्टार बनी मंदाकिनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी दूसरी ओर उनके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बढ़ने लगे। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम की साथ साथ तस्वीरें मीडिया के फ्रंट पेज पर नजर आने लगी। न्यूज़पेपर्स की खबर के मुताबिक मंदाकिनी जब भी दुबई के दौरे पर जाती थी, वो दाऊद के विला में ही रुकती थी। उस वक्त मंदाकिनी की एक तस्वीर दाऊद के साथ दुबई के एक स्टेडियम में क्रिकेट देखते हुए वायरल हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में यह बात आग की तरह फैलने लगी थी कि अभिनेत्री मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ अफेयर चल रहा है। तब मंदाकिनी पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के भी आरोप लगे थे। दाऊद इब्राहिम ने मंदाकिनी को फिल्मों में रोल दिलाने के लिए कई डायरेक्टर्स को फोन पर धमकाया भी था। साल 1994 में मुंबई बम धमाकों से हिल गई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम विदेश चला गया। मुंबई धमाकों की पड़ताल के दौरान पुलिस ने मंदाकिनी से भी पूछताछ की। इसके बाद डायरेक्टर ने मंदाकिनी को फिल्मों में काम देना बंद कर दिया और कुछ समय बाद मंदाकिनी बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से गुमनामी की दुनिया में जीने को मजबूर हो गई। मंदाकिनी के अलावा एक और अभिनेत्री थी, कहते हैं, जिसके लिए दाऊद इब्राहिम ने एक प्रोड्यूसर तक को मरवा दिया था और उस अभिनेत्री का नाम था अनीता अय्यूब। अनीता अय्यूब पाकिस्तान की रहने वाली थी और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। अमर उजाला और कई सारे अखबारों की खबरों के मुताबिक 90 के दशक में दाऊद की पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अय्यूब से काफ़ी नज़दीकियां थी। साल 1993 में फिल्म प्यार का तराना से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते की अफवाह तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी। कहते हैं अनीता अय्यूब के प्यार में दाऊद इस कदर पागल था कि इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने 1995 में अनीता को अपने फिल्म में लेने से मना कर दिया, तो दाऊद इब्राहिम ने अपने गुर्गों के द्वारा प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या करवा दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों की वजह से अनीता अय्यूब का करियर समाप्त हो गया। अनीता पर एक ये भी आरोप था कि अनीता एक पाकिस्तानी जासूस थी।
दाऊद इब्राहिम के साथ जिन अभिनेत्रियों का संबंध रहा उनमें अगला नाम आता है जैस्मिन धूना का। जैस्मिन धूना अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। मशहूर हॉरर फिल्म वीराना में नजर आने पर पूरा देश उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैस्मिन का दाऊद इब्राहिम के साथ लिंकअप था। हालांकि वह अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई और अब वह कहाँ है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उनका निधन हो गया, लेकिन कुछ का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर हैं। इन सब के अलावा बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित और मलाइका अरोड़ा के नाम भी दाऊद इब्राहिम से जोड़े जा चुके हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। माधुरी दीक्षित पर यह आरोप लगा था कि उनके दाऊद इब्राहिम से संबंध है और वे कई बार दुबई में दाऊद इब्राहिम से मिलकर उनकी पार्टी में शामिल हुई, मगर माधुरी दीक्षित और मलाइका अरोड़ा में से किसी के दाऊद के साथ संबंध होने के एक सबूत आज तक सामने नहीं आए और ना ही पुलिस द्वारा दाऊद के साथ इन संबंधों की पुष्टि हो सकी। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि मलाइका अरोड़ा और माधुरी दीक्षित के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध सिर्फ अफवाह थे। इस बॉलीवुड लिंक टू अंडरवर्ल्ड, जी हाँ, समय समय पर बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं जिससे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन सामने आए। कई बार इनका जिक्र कानून के कागज और कानून की किताबों में आया। बहुत बार बॉलीवुड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड ने फंडिंग की थी, लेकिन ये दोनों ही बिजनेस ऐसे हैं जिसमें पैसा बेशुमार इन्वॉल्व है, तो जाहिर है इन पर शिकंजा कसपाना इतना आसान नहीं। ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस और अंडरवर्ल्ड की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।